आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों को नींद विकार यानी कि नींद के दौरान होने वाली परेशानियां, जिसे डिजॉर्डर्ड स्लीप कहते हैं, और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करूंगा। अगर आप नींद के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप सही मायने में अपनी परेशानियों से निजात पा सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नींद के दौरान होने वाली कुछ खास परेशानी या लक्षण इस प्रकार है, जैसे कि नींद में बोलना, नींद का न आना, नींद में डरावने सपने देखना, नींद के दौरान आधी आंखें खुली रहना, खुशी के कारण नींद ना आना, मानसिक तनाव के कारण नींद ना आना, अंधेरे में ना सो पाना इत्यादि। अब आइए, इसके लिए कुछ चुनिंदे होम्योपैथिक दवाएं हैं जिन्हें मैं उनके लक्षणों के साथ विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर साधारणतया किसी को नींद ना आए, जिसे हम कॉमन स्लीपलेसनेस कहते हैं या इसे इंसोम्निया भी कहते हैं, उस रोगी को दोस्तों पैसिफ्लोरा क्यू जहाँ पैसिफ्लोरा क्यू 20 से 25 बूंद थोड़े पानी में मिलाकर सोते समय लेनी चाहिए, और साथ में फेरम फॉस 6x। वह काली फॉस 6x। जहाँ ये दोनों बायोकेमिक दवाओं के चार चार टैबलेट की चार खुराकें नियमित कुछ दिनों तक लेती रहनी चाहिए, इससे रोगी को पूर्ववत नींद आने लगेगी। बच्चों का पेट के बल सोना, अगर ये लक्षण किसी बच्चे में दिखाई दे तो उसे मेडोराइनम 1 mg साप्ताहिक एक खुराक 4 से 5 सप्ताह तक दे, उसके पेट के बल सोने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस बच्चे का पेट ज्यादा खाने के कारण व पेट में कीड़े होने के कारण बड़ा हो, वो अक्सरहा पेट के बल ही सोना पसंद करे, उसे पालने में ही अच्छी नींद आए तथा बिना तेज थपकिया दिए वो सो नहीं पाए, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों सीना 6 जी हाँ, सीना 6 15 दिनों तक रोज 4 खुराक दें, उसके बाद सीना 200। जी हाँ, उसके बाद सीना 200 की एक खुराक 1 सप्ताह तक देकर छोड़ दें, कुछ दिनों में आपको बच्चे में बदलाव दिखने लगेगा। जो बच्चा दूध की उल्टी करने के बाद गहरी नींद में सो जाए, उस बच्चे को एथुजा 30 जी हाँ, उस बच्चे को एथुजा साइनेपियम 30 की 4 खुराकें कुछ दिनों तक नियमित देते रहें, बच्चे को आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। जो बच्चा नींद में डरावने सपने देखकर चिल्लाने लगे, नींद में दांत खिटखिटाए
उस बच्चे को काली ब्रोम 30 जी हाँ, उस बच्चे को काली ब्रोम 30 नियमित 4 खुराक कुछ दिनों तक देते रहे। दोस्तों जिनकी भी आंखें नींद के दौरान आधी खुली होती है उन्हें लाइकोपोडियम 30 जी हाँ, लाइकोपोडियम 30 या लाइकोपोडियम 200 उन्हें लाइकोपोडियम 30 या लाइकोपोडियम 200 का सेवन आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। आंखें भारी हो, आंखों में नींद भी हो पर फिर भी उसे नींद ना आए, ऐसे रोगी को वेलाडोना 30 जी हाँ, ऐसे रोगी को वेलाडोना 30 की नियमित 3 खुराकें कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, उससे उनकी यह शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बच्चा दिन में सोए और रात में रोए, ऐसे भी बच्चे देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऐसे बच्चे को जलापा 30 जी हाँ, ऐसे बच्चे को जलापा 30 नियमित 3 खुराक कुछ दिनों तक देते रहें, बच्चे को इस आदत या बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। किसी को खुशी के कारण नींद नहीं आती है तो किसी को मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आती है। तो यहाँ ध्यान दें, जिसे खुशी के कारण नींद नहीं आती है उसे दोस्तों कॉफिया 200 जी हाँ, कॉफिया 200 की 2 खुराक रोज कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, और जिसे मानसिक तनाव के कारण नींद ना आती हो उसे नक्स भूमिका 200 जी हाँ, उसे नक्स भूमिका 200 की 2 खुराक रोज कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इससे दोनों ही रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाएंगे। किसी किसी को नींद में बोलने की आदत होती है जिसे हम नींद में बड़बड़ाना कहते हैं, ऐसे नींद में बड़बड़ाने वालों को पल्सेटिला 30 जी हाँ, पल्सेटिला 30 रोज 3 खुराक कुछ दिनों तक देकर उसका नींद में बड़बड़ाना आप बंद कर सकते हैं। कुछ लोग अंधेरे में सो नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, है ना उनके लिए श्रामोनियम 200 जी हाँ दोस्तों, ऐसे को श्रामोनियम 200 की 2 खुराक रोज कुछ दिनों तक दें, इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो हमने उन तमाम लक्षणों और उसके लिए होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताने की कोशिश की है जो नींद के दौरान उत्पन्न होती है, फिर भी इसके अलावे अगर कोई और भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। स्वागत है आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल, आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।